बैक एक और बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, सोनीपत से ही एक और बड़ी जानकारी है। तो सड़कों पर बारिश का पानी भर गया है, तो यहां पर सोनीपत के हालात आप देखिए किस तरीके से बनते चले जा रहे हैं। बारिश के बाद जलभराव ने परेशानी बढ़ा दी है और ये हर बार की कहानी है, और हर बार की कहानी के बाद प्रशासन क्या करता है। तस्वीरें और ये खबर खुद ब खुद इस बात को बताती हुई दिखाई देती है कि बस स्टैंड से लेकर रेलवे रोड तक पानी पानी यहां पर दिखाई दे रहा है, लेकिन यहां पर प्रशासन के अधिकारी क्या कर रहे हैं। तो सोनीपत में एक बार फिर से सड़कों पर बारिश का पानी भर गया है, लेकिन जल निकासी की कोई व्यवस्था, कोई प्रबंध यहां पर दिखाई नहीं दे रहे, जिस वजह से लोगों को भी, वाहन चालकों को भी अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है, कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। राहगीरों के लिए अपने गंतव्य तक पहुंचना परेशानी का सबब बन गया है। तस्वीर आप देखिए किस तरीके से यहां पर कई घंटों की बारिश के बाद यह पानी भर गया है। लगातार हमारे साथ राम सिंह मार बने हुए हैं। राम सिंह मार, फिलहाल ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट क्या मिल रही है, हालांकि तस्वीर भी लगातार हम दिखा रहे हैं। जल निकासी के लगातार दावे किए जाते हैं, समय पर प्रबंध क्यों नहीं किया जाता, जब मौसम विभाग लगातार ये पूर्वानुमान जताता है, भविष्यवाणी करता है, लेकिन यहां पर प्रशासन के अधिकारी पहले से अलर्ट नहीं होते। तो हमारे संवाददाता राम सिंह मार लगातार बुनियादी मसलों पर अपनी नजर बनाए रखते हैं, तो उन्हीं के हवाले से यह खबर भेजी गई है, तस्वीरें भेजी गई है। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि ग्राउंड जीरो पर रियलिटी क्या है। यहां पर देखिए किस तरीके से लोगों को अपनी गाड़ियों को खींचते हुए आगे ले जाना पड़ रहा है, नाना करते हुए भी कम से कम 3 से 4 फीट तक ये पानी भर गया है। और यहां पर जल निकासी के दावे शून्य, जल निकासी के नाम पर पैसे खर्चे जाते हैं, अधिकारियों को, कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है, लेकिन तस्वीरें आप देखिए स्थानीय प्रशासन कितना गंभीर है, और गंभीरता की एक झलक यहां पर दिखाई दे रही है कि लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश में वैसे ही कोरोना को लेकर हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, लेकिन बारिश ने इन मुश्किलों को और बढ़ा दिया। राम सिंह मार हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम सिंह मार, मौसम विभाग जब पूर्वानुमान पहले से जता देता है, भविष्यवाणी कर देता है कि प्रदेश के अंदर बहुत तेज बारिश हो सकती है, घने बादल छा सकते हैं, लेकिन प्रशासन के अधिकारी क्या कर रहे होते हैं? देखिए जिस प्रकार से बारिश जो है कई दिनों से चल रही है, और देर रात जिस प्रकार से बारिश हुई, पहले दिन में अगर बात करें तो 35 mm बारिश हुई थी, और देर रात से अभी सुबह 8 बजे तक की अगर बात करें तो 38 mm बारिश हुई है सोनीपत में। और हालात ये हैं कि शहर के प्रत्येक चौक चौराहे, गली मोहल्ले और गीता भवन, शहर का बस स्टैंड और ककरोई रोड समेत, रामनगर समेत तमाम ऐसी जगह है जहां पर जल भराव की स्थिति इतनी गंभीर है कि लोग जो है अपने वाहनों से निकलना, पैदल निकलना तो दूर, वाहनों से भी निकलना उनके लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। हालात ये है कि प्रत्येक शहर के प्रत्येक हिस्से में पानी ही पानी है, और भ्रष्टाचार के वो पाइप जो नगर निगम द्वारा दबाए गए थे, दावे किए गए थे कि शहर की निकासी की व्यवस्था एक अच्छी होगी, दुरुस्त होगी, और निकासी की प्रबंध जो है सबके सामने है, और ऐसा बेमौसमी बारिश में हालात ये हैं। और जब मानसून सीजन होता है तब तो हालात सबके सामने रहते ही हैं, लेकिन जिस प्रकार से अब बेमौसमी बारिश है, बेमौसमी बारिश में इस प्रकार के इतने गंदे हालात है, और जिसके लिए प्रशासन ने लाखों करोड़ों रुपए हर साल जो है इसलिए रिलीज करता है कि शहर की निकासी व्यवस्था दुरुस्त हो, लेकिन यहाँ का भ्रष्टाचार इस कदर बढ़ा हुआ है कि लोग जो है परेशान रहते हैं। और चलिए राम सिंह मार, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो बारिश के बाद जल भराव की स्थिति बनी हुई है, राहगीरों के लिए जल भराव की स्थिति आफत लेकर आई हुई है।